बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ये परीक्षा करा रहा है। इस वक्त की खबर आपको बता दें कि आगरा में 14 जून को नर्सिंग प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय परीक्षा करा रहा है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में नर्सिंग परीक्षा कराई जाएगी। आपको बता दें कि आगरा में 14 जून को नर्सिंग प्रवेश परीक्षा होने वाली है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय नर्सिंग प्रवेश परीक्षा कराएगी। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मी नस्त जी। लक्ष्मी, तो ये एडमिट कार्ड कब अपलोड किए गए थे वेबसाइट पर, क्या है जानकारी? मनीषा, मैं आपको बता दूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो चिकित्सा जो विश्वविद्यालय है, लगातार मेडिकल क्षेत्र में जो भी परीक्षाएं, जो चाहे MBBS की हो चाहे BSc की हो, ये तो सारी नर्सिंग की जितनी भी ये परीक्षाएं करानी शुरू कर दी है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आगरा में जो परीक्षा जो होने वाली है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय पर कराने वाली है, 14 जून को आगरा में होगी। ये 19 प्रदेश के जो जिलों में कराई जाएगी, और इसमें मैं आपको बता दूं लक्ष्मी, वो 19 जिले कौन कौन से हैं जिसमें नर्सिंग परीक्षा कराई जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें जो नर्सिंग के जो होने वाली जो परीक्षा है उसके लिए सबसे पहले तो आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली है, बस्ती है, बांदा है, गाजियाबाद, गोंडा, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और जो है वाराणसी जिले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो परीक्षा जो कराई जा रही है, ये दोनों ही मतलब उसके लिए, मतलब सरकारी कॉलेजों के लिए भी और निजी कॉलेजों के लिए भी। अगर BSc नर्सिंग की हम बात करें तो उसमें 13,030 सीटें हैं इसके लिए, और जो पोस्ट बेसिक जो नर्सिंग जो कोर्स है उसके लिए ये 2460 सीटें। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये निजी और सरकारी दोनों उसके लिए हैं। उसमें जो है, अगर जो 13,000 जो सीटें जो आपको मैंने नर्सिंग की बताई, तो उसमें से 12,000 सीटें जो है निजी कॉलेजों के लिए हैं प्रदेश की, और जो बाकी जो 23 जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ये नर्सिंग की जो परीक्षा जो कराई जाएगी, और उसके लिए कड़ी मतलब नज़र रखी जाती है प्रशासन द्वारा, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में जब भी नकल पेपर लीक के मामले आते हैं या नकल के मामले आते हैं, उसको मतलब दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रदेश सरकार जो है कार्रवाई कर रही है, प्रशासन उसमें कड़ी नजर रखे हुए परीक्षा केंद्र के। जी लक्ष्मी, 14 जून की जो परीक्षा है उसको आगरा में लेकर उसके लिए क्या तैयारियां की गई है आगरा जिले में? अभी देखिए, प्रशासनिक जो अभी इसको अंतिम रूप दे रहा है, अभी लगातार इसकी बैठकें होनी बाकी हैं, क्योंकि अभी काफी दिन रह गए हैं इसमें, 14 अभी जो 6 तारीख हुई है, तो अभी किसमें दिन काफी शेष हैं। लगातार प्रशासन जो कॉलेजों में जहाँ जहाँ सेंटर बनाए गए हैं उनके जो अधिकारियों के साथ मिलकर बैठकें की जा रही है, और परीक्षा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और आपको बता दूँ, जो परीक्षा जो होगी उसमें किसी भी छात्र को कोई भी सामग्री लाने की जरूरत की इजाज़त नहीं होगी, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, स्मार्ट फोन हो या सिंपल फोन हो, कोई किसी भी तरह का गैजेट लाने की परमिशन नहीं होगी। जिसे वो सिर्फ पेंसिल या पेन लाने की अनुमति उसमें होगी, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेके आएंगे। कान में जो आजकल जो ईयरफोन जो चल रहे हैं इनको भी अलाउ नहीं किया गया है, वहाँ पर किसी भी तरह के गैजेट का प्रयोग नहीं होगा। साथ में जो परीक्षा जब कराई जाएगी उसकी 200 मीटर की रेंज में कोई भी फोटो कॉपी और साइबर कैफे की दुकान वहाँ पर खुली नहीं होगी, और साथ में कॉलेज जहाँ परीक्षा केंद्र लगाए गए वहाँ पर जैमर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी जो पेपर अंदर से और बाहर ना जा सके, बाहर की जानकारी अंदर ना सके। जो वहाँ पर जो परीक्षक जो होंगे जो परीक्षा से एग्जामिन करेंगे उनको भी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन लाने की परमिशन नहीं होगी। तो कुल मिलाकर 4 चौबंद पूरे किए गए हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये परीक्षा उस दिन 11 बजे सुबह शुरू होगी, पर परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे बुलाया गया है, ताकि एडमिट कार्ड जो चेक करते हैं उसकी पूरी तैयारी वो कर लें। उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग अब तो कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया, फेस स्कैनिंग की जाएगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें अब जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसा तो नहीं कोई जो परीक्षा जिसकी परीक्षा है उसकी परीक्षा के स्थान पर और कोई मुन्ना भाई ना बैठ जाए, तो उसको लिए भी पूरे इंतजाम किए गए। तो हर तरीके से परीक्षा को मतलब सही तरीके से कराने के लिए और सही रिजल्ट को निकालने के लिए विश्वविद्यालय और जो प्रशासन दोनों की पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार फिर बता दें कि आगरा में 14 जून को नर्सिंग प्रवेश परीक्षा होने वाली है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय परीक्षा करा रहा है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में नर्सिंग परीक्षा होगी। वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि नकल ना हो इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।